नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चना मादरा बनाएंगे। चना मादरा पहाड़ी हिमाचली रेसिपी है। और चना मादरा, मादरा मीन्स दही की थिक ग्रेवी, यानी कि ये चने दही की ग्रेवी में बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए चना मादरा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप चने जो 8-10 घंटे यानी कि रात भर भिगो करके ले लिए और चनों को उबाल लिया है। उबालते समय हमने एक कप चने हैं फूले हुए, इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला, 3/4 छोटी चम्मच नमक डाला है और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला। बिना बेकिंग सोडा डाले हुए भी चने उबाले जा सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है। चनों को हमने एक सीटी आने के बाद धीमी गैस पर 4-5 मिनट तक उबाल लिया है। और आप देखेंगे ये चने जिस ऐसे आप करें यानी कि दब जाएंगे, ये पूरी तरीके से कुक्ड चने हैं। तो चने हमने उबाल कर ले लिए हैं। एक कप दही है, ताज़ा दही है, बहुत खट्टा दही नहीं लेना है। और 4 टेबल स्पून देसी घी, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़े इलायची और 4 हमने लौंग लिए हैं और 6-7 काली मिर्च लेनी है, ये हमने साबुत मसाले लिए हैं। 2 टेबल स्पून किशमिश, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक ले लेंगे। चने मादरा बनाना शुरू करते हैं। इलायची हमने छील ली और ये लौंग और काली मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और दालचीनी हम साबुत तोड़ कर डालेंगे। तो ये मसाले हम बिल्कुल दरदरे कूट कर तैयार करेंगे। कढ़ाई गरम कर लेते हैं और कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है, घी में जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे, और जीरा भुनने के बाद ये दरदरा किया हुआ मसाला डाल देंगे और दालचीनी को 2 टुकड़े करके साबुत ही डाल देंगे। मसाले को हल्का सा भूनेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और अब चने डाल देंगे। लाल मिर्च भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 मिनट के सारे मसाले की कोटिंग चनों के ऊपर आ जाए, भून लेंगे। किशमिश भी डाल देंगे हम चनों में। चनों को हमने 2 मिनट अच्छे तरीके से घी मसाले के अंदर लगातार चलाते हुए पका लिया है और अब हम दही डालेंगे। और अभी हम जब तक कि चनों में उबाल नहीं आ जाता इनको लगातार चलाते जाएंगे। चनों में फिर से उबाल आ गया है और अब हम ये जो नमक हमने बचाया था, हमने 1 चम्मच नमक लिया था, 3/4 चम्मच चना उबालते में डाला था और 1/4 छोटी चम्मच नमक हमने अभी दही डालने के बाद डाला है। नमक को टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम जो घी हमारे पास है वो भी डाल करके चनों में मिक्स कर देंगे। ये चना मादरा बन करके तैयार है। चना मादरा को हम प्याले में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं।
चना मादरा बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छे चना मादरा बने हैं और इतने चना मादरा परिवार के 3-4 सदस्यों को परोसे जा सकते हैं। चना मादरा को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं। आप चना मादरा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।